इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल 2024, जिसका एग्जाम 21 और 22 सितंबर को हुआ था। डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ ही रहा है पेपर लीक से रिलेटेड, बट आज जो अपडेट आया है थोड़ा खास है। क्योंकि क्यों खास है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सीजीएल का एग्जाम, पहला एग्जाम की बात करें, जब आप लोग का हुआ था, देख पा रहे हो, 28 जनवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। लेकिन देखो, परीक्षा के पेपर लीक की सरगना को एसआईटी ने पहचान कर ली है। तो आप लोग का एसआईटी गठित की गई थी, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है जिस गिरोह ने पेपर लीक का मतलब किया था, उसका पता चल चुका है। अब क्या है पूरा मामला, पूरा हम न्यूज पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखोगे तो एकदम डिटेल में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बताया गया है सीजीएल एग्जाम, जेएसएससी ने अभ्यर्थी से मांगा पेपर लीक समेत अन्य गड़बड़ियों के साक्ष्य का मुख्य स्रोत। देखो, पेपर लीक का साक्ष्य जिस सीडी में दिया वो है ब्लैक, आयोग का कहना है। क्या है मामला, अब पूरा इसको पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 21 और 22 सितंबर को आयोजित सामान्य स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट और बुकलेट वितरण में गड़बड़ी समेत अन्य आरोपी को लेकर अभ्यर्थी मतलब आंदोलन कर रहे हैं। इधर राजभवन की पहल पर जेएसएससी ने लगे आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। सीजीएल परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर कुणाल प्रताप सिंह, आशीष कुमार, प्रकाश कुमार, रामचंद्र मंडल, विनय कुमार और प्रेमलाल ठाकुर द्वारा आयोग को साक्ष्य दिए गए थे। देखो, साक्ष्य दिए गए थे। इसमें एक सीडी, एक पेन ड्राइव और 54 पेज का डॉक्यूमेंट शामिल है। आयोग का कहना है कि दिए गए साक्ष्य में एक बार सीडी ब्लैक निकली है। जेएसएससी ने गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले को 30 सितंबर को आयोग कार्यालय में आने के लिए लेटर जारी किया है। इसमें सीडी और पेन ड्राइव का तो मुख्य स्रोत के साथ आने के लिए कहा है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर स्पष्टता के लिए आयोग कार्यालय में आना जरूरी है। बताते चले कि जांच कमेटी में संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव अरविंद कुमार लाल है। वहीं जेएसएससी ने हजारीबाग डीसी को लेटर लिखकर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। जेएसएससी ने कहा है कि हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग के बारे में शिकायत मिली है कि इस केंद्र के कैमरा संख्या 4 में एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को उत्तर लिखवाया है। वहीं रांची डीसी को भी जेएसएससी ने लेटर लिखा है कि प्रोजेक्ट हाई स्कूल बेड़ो के केंद्र पर फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा में थर्ड पेपर की जगह सेकंड पेपर का वितरण कर दिया गया है। आंसर बुकलेट फ्री में दी गई है। इसकी रिपोर्ट 24 घंटे में देने के लिए कहा गया है। इधर जेएसएससी द्वारा सीजीएल के पदों पर नियुक्ति के लिए इसी साल देखो 28 जनवरी को आयोजित की गई थी, लेकिन लेकिन पेपर लीक के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। एसआईटी ने पेपर लीक के सरगना को पहचान कर ली है। तो ये बहुत ही अच्छा टर्म है कि सरगना की पहचान कर ली है। तो देख पा रहे हो, 28 जनवरी 2024 को हुई परीक्षा के पेपर लीक के सरगना को एसआईटी ने पहचान ली है। और ये आप लोग का पहला एग्जाम जो सीजीएल का हुआ था, जो आप लोग रद्द हुआ, ठीक है। जेएसएससी के पत्र में अशुद्धियां की भरमार। और देखो, यहाँ पे गिरोह जो पकड़ाया गया वो बात करते, पहले ये पढ़ लेते, फिर यहाँ पे आप लोग आते हैं। तो देख पा रहे हो, जेएसएससी द्वारा साक्ष्य के मुख्य स्रोत सौंपने के लिए अभ्यर्थियों और कोचिंग संचालकों को लिखे गए पत्र में अशुद्धियां की भरमार है। पत्र में कोचिंग 2 बार लिखा गया, लेकिन लेकिन का स्पेलिंग गलत है। इतना ही नहीं, 26 सितंबर 2024 की जगह 26 सितंबर 2027 लिखा है। बिंदुआ भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये पढ़ते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। देखो, पेपर लीक में 3 राज्यों का गिरोह है शामिल, देख पा रहे हो आप लोग। अब देखो क्या बताया गया है, एसआईटी को लीड कर रहे हैं डीएसपी अमर कुमार पांडे। बताते हैं कि पेपर लीक कांड में झारखंड, देख पा रहे हो, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का गिरोह शामिल है। पेपर लीक के सरगना की पहचान कर ली गई है, देख पा रहे हो, पहचान कर ली गई है कौन पेपर लीक कराया है, लेकिन उसके नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता। देख पा रहे, बट नाम का खुलासा अभी बोल रहे नहीं किया जा सकता है। इसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, देखो गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो पहचान लिया गया, ठीक है। बताते चले कि इस मामले में अभी तक 11 लोगों को जेल भेजा गया है। अब तक पिछले 8 महीने में 3 बार
आईईओ बदल चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का अपडेट था, उम्मीद करते हैं आप लोग को अपडेट अच्छा लगा है। इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो आप लोग का कभी भी पेपर गिरो जो किया था, ठीक है, पहला पेपर लीक, वो लोग कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है।